जागरी की केक बनाने के लिए ना बटर की ज़रूरत है ना ऑयल की। चलिए मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बाउल लेती हूँ। उसमें मैंने एक कटोरी जागरी लिया है और फ्रेश मलाई एक कटोरी हमने लिया है। मलाई और जागरी को अच्छे से विस्कर से फेंट लेंगे। आज की केक इतनी स्पंजी और इतनी टेस्टी बनेगी कि सब लोग उंगली चाटते रह जाएंगे। चलिए मैंने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है और एक कटोरी हमने फ्रेश दूध लिया। दूध गर्म ना ले, दूध ठंडा करके और उसे यूज करें। चलिए विस्कर से हमने इसे फेंट लिया है। इसमें तो यही इस केक में खूबी है कि हमें ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ता। एक कटोरी हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है, हाफ चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच मीडियम साइज के चम्मच से बेकिंग पाउडर लिया है और मैदा हमने एक कटोरी लिया है। गैस पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है एक प्लेट रख कर और उसे फ्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया है 10 मिनट के लिए। चलिए मैंने केक पॉट लिया है, उसमें मैंने थोड़ी घी लगा लिया है और उसमें ऊपर से हमने मैदा लगा के डस्टिंग किया है। देखिए कितना अच्छा बैटर तैयार हुआ है, अगर मिनटों में एकदम तैयार हो गया। देखिए कितना टेस्टी, कितनी कम टाइम में ये बैटर मिक्स हो गया। चलिए इसको थोड़ा बबलिंग अगर हो तो उसके लिए मैं इसे थोड़े टैप कर दूंगी। ऊपर से मैंने पिस्ता डाला है और थोड़ी तीसी और तिल भी हमने ऊपर से इसमें डाला है। देखिए आज की केक में ऑयल और बटर की जरूरत नहीं हुई ना। देखिए कितना अच्छा टेस्टी और एकदम परफेक्ट केक बन के तैयार हो गया। 30 मिनट के लिए मैंने कढ़ाई में इसे ढककर छोड़ दूंगी। जागरी की केक सभी लोग खा सकते हैं जिन्हें शुगर है। ये बहुत ही पौष्टिक केक है। देखिए 30 मिनट हो गया है, कितना अच्छा केक बन के तैयार हुआ है। उसे दोस्तों अगर पसंद आए तो कमेंट और लाइक करना ना भूलेंगे। फ्रेंड्स चलिए मैं इसे प्लेटिंग करती हूँ। देखिए कितना टेस्टी।